द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, गर्तू राणा का देशज है फेंक जहां तक भाला जाए। हमारे पास लक्ष्य को प्राप्त करने की असीमित क्षमताएं हैं, बस इतना है कि हम उन क्षमताओं का प्रयोग कब से करते हैं और किस रूप में करते हैं। खाकी का रंग ही ऐसा होता है जिसको देख के ऊर्जा आती है, और खाकी अगर आपके शरीर पर किस्मत से चढ़ जाए और सितारों के साथ आपको मिले, तो वह खाकी जो आप पहने होते हैं वह आपके कई वर्षों के सपनों का प्रतिबिंब होती है। यूपीएसआई की वैकेंसी वर्षों के इंतजार के बाद आपके समक्ष है। कई लोगों को थोड़ी बहुत निराशा भी हुई है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ लोग आयु से मात खा गए, एज से मात खा गए। ये रिलैक्सेशन अगर 2018 से लिया होगा तो बहुत सारे छात्र छात्राएं इसमें शामिल हो सकते थे। जितने लोग आयु वाले हैं, मैं उन सब के लिए बता दूं कि 7 सदस्यीय आज एक टीम बनाई गई है, और आयु के लिए हम लोग सरकार से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी हम सरकार से संपर्क भी कर रहे हैं, आपकी बात भी रख रहे हैं, और निश्चित रूप से हम इसमें सफल भी होंगे। बस आपका साथ जहां पे चाहिए होगा आप साथ दीजिएगा। आपके लिए एक विनम्र अनुरोध से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं कि अगर 3 वर्षों का नुकसान हुआ है तो वो सभी छात्र जो ओवर एज हुए हैं उनको मौका मिलना चाहिए। 2 या 3 दिन में इसका एक विस्तृत कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष होंगे। आज से हमने ड्राफ्ट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम जल्द ही संबंधित अधिकारियों को और सरकार को विनम्र अनुरोध के द्वारा संपर्क करेंगे कि लाखों छात्र जो इससे वंचित हो जा रहे हैं उनका ध्यान दें। सबसे पहले तो देखिए, संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना है। आपने जो संघर्ष किया उस संघर्ष का परिणाम आपके सामने है। यह संघर्ष लंबा चलना चाहिए और अनवरत चलना चाहिए, जिससे सभी विभाग इससे लाभान्वित हों। यह जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी को लेकर आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कुछ नकारात्मकता है। नकारात्मकता ना केवल आपकी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होती है, बल्कि आपको खोखला भी कर देती है। तो पूरे सकारात्मक रूप से आपको 9534 पदों के लिए आगे बढ़ना है, क्योंकि यह स्वर्णिम अवसर आया है और आप इसको बिल्कुल भूल जाइए। ना तो वैकेंसी कैंसिल होने जा रही है, ना कोई समस्या होने जा रही है। आयु संबंधी जो समस्या है उन पर लगातार कार्य करेंगे, और अभी 1 माह का समय है। निश्चित रूप से हम लोग उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि सब लोग इससे लाभान्वित हों। हम सबके संघर्षों के प्रतिफल के रूप में यह जो अवसर आपके सामने आया है, इसको किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। आप लोग हाईली मोटिवेट रहें, क्योंकि यह एक स्तरीय परीक्षा है। पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसका स्तर सामान्य से काफी ऊपर होता है। विस्तृत पाठ्यक्रम में लगभग 120 दिन आपको तैयारी के लिए चाहिए। टारगेट बेतालों ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में यूपीएसआई के लिए एकलव्य बैच का आयोजन किया जा रहा है। एकलव्य एक ऐसा नाम जिससे प्रतिबद्धता और सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति का बोध होता है, कि अगर सीखने की प्रबल इच्छा शक्ति हमारे अंदर हो तो सफलता को हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसीलिए इस बैच का नाम एकलव्य बैच रखा गया है। एकलव्य बैच की विशेषताओं के साथ इससे जुड़ने की प्रक्रिया को मैं आपसे साझा करता हूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो एकलव्य बैच का फ्री टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप उस लिंक को ज्वाइन करके एकलव्य बैच से जुड़ सकते हैं। वहां पर से आपको नोट्स, कक्षाएं और बैच से संबंधित समस्त जानकारियां वहां से आपको प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारे यहां प्रवेश लेना है नहीं लेना है, लेकिन टेलीग्राम चैनल आपकी मदद के लिए बनाया गया है, आपके लिए बनाया गया है। वहां से आप बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो डिस्क्रिप्शन में है और निःशुल्क है। इसके अलावा बैच से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री यूपीएसआई 2021 लिखकर आप हमें भेज दीजिए। हम एक विस्तृत संदेश के माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे। उसमें पूरी प्रवेश प्रक्रिया, बैच से संबंधित समस्त जानकारियां, बैच की विशेषताएं, अवधि, सब कुछ आपको वहां पर होगा। तो व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव करके आपको एंट्री यूपीएसआई लिखकर हमको भेजना है। यदि और कोई समस्या आपके समक्ष है तो ये संस्थान के नंबर है। आप इन नंबर्स पर प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया बैच में आज शाम से ही प्रारंभ हो रही है और यह प्रवेश प्रक्रिया 4 दिन तक चलेगी। आज से प्रारंभ होकर 4 दिन तक चलेगी। 4 दिन में आप अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। कल से सभी विषयों की डेमो क्लासेज आपके समक्ष उपलब्ध होंगी। मैं टीम और विशेषताओं के बारे में भी आपको परिचित कराता हूं। एकलव्य बैच की विशेषताएं क्या क्या है आपके इस बैच में देख लीजिए। 6 घंटे की प्रतिदिन आपकी कक्षाएं हैं और लाइव कक्षाएं हैं। मैं दावा करता हूं कि हम लोग एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कोई रिकॉर्डेड और पुरानी क्लासेज आपको प्रोवाइड नहीं कराते। हम सभी कक्षाएं आपको लाइव देते हैं, आपका लाइव इंटरेक्शन होता है। हां, आप अगर कक्षाएं लाइव ना देख पाए तो आप किसी भी समय उन कक्षाओं को देख सकते हैं।
वो कक्षाएं आपके पास उपलब्ध रहेंगी। हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन की नोट्स, लगभग हम वादा करते हैं कि 85% से अधिक प्रश्न आपको इसी नोट से मिलते हैं। संस्थान में पिछले 3 वर्ष का ये रिकॉर्ड रहा है कि लगभग जितनी परीक्षाओं के की नोट्स दिए गए हैं अधिकतर प्रश्न आपको वहां से मिले। यहां तक कि मैथ और रीजनिंग के भी हैंड रिटन नोट्स हम आपको भेजते हैं, आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप लाइव क्लास में कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप यहां पर लिखें। जैसे ऑफलाइन में जब आप पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आप 30 मिनट पढ़ते हैं, इसके लिए 1.5 से 2 घंटे बर्बाद करते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड पर लिखना उसके बाद लिखना। यहां पर 1 घंटे में हम ऑफलाइन के 2 घंटे के बराबर पढ़ाई करते हैं और सारे मटेरियल अक्षर सा जो है यहां पर अध्यापक आपसे बोलता है वो सब आपको हैंड रिटन नोट्स और प्रिंटेड नोट के माध्यम से आपको भेजे जाते हैं, जिससे आपका पूरा फोकस केवल आपकी पढ़ाई पर रहे और आप कम समय में बेहतर कर सके। पीडीएफ नोट्स, बहुत सारे नोट्स पीडीएफ माध्यम में ही आपको भेजे जाते हैं और दोनों ही नोट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों ही नोट्स एक दूसरे को संपूरकता प्रदान करते हैं। क्लास टीचर आपको बताता है कि आपको किस नोट्स का उपयोग कैसे करना है, सब्जेक्ट टीचर आपको पूरी जानकारी इसकी देता है। लाइव डाउट सेशन, मान लीजिए कोई चैप्टर आपका खत्म हुआ तो 25 प्रश्नों के माध्यम से उस चैप्टर का लाइव डाउट सेशन और संभावित प्रश्नोत्तर की श्रृंखला, जो प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्लस संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला, लगभग हर विषय से 600 प्रश्नों की एक संभावित प्रश्नोत्तर श्रृंखला आप सभी लोगों के लिए, जिससे ना केवल आप प्रैक्टिस कर सके बल्कि उस विषय में आप बहुत बेहतर कर सके। मैथ्स और रीजनिंग की जहां तक मैं बात बता दूं कि कोई भी टॉपिक आपका मैथ्स और रीजनिंग में जब खत्म होता है तो 100-100 प्रश्नों की एक प्रैक्टिस सीट आपको दी जाती है। पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, फिर उसका लाइव डाउट सेशन लिया जाएगा और जब आप उस टॉपिक में एट होम या दक्ष हो जाएंगे, जब आप कहेंगे सर हम कंफर्टेबल हैं पूरे टॉपिक में, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से यह प्रयास हमारा चलता है। हिंदी में भी यही प्रक्रिया है और आप जानते हैं कि इस परीक्षा में जो डिसाइडिंग है वो आपके लिए 3 विषय हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, संविधान और मूल विधि, है ना। ये डिसाइडिंग है क्योंकि 300 नंबर का तो केवल मैथ, रीजनिंग और आपका हिंदी ही है और 100 नंबर में आपका जीएस भी है, संविधान भी है, मूल विधि भी है, करंट अफेयर्स भी है और यूपी स्पेशल भी है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो करने हैं वो मैथ, रीजनिंग और हिंदी के लिए ज्यादा करने हैं। 100 प्रैक्टिस सेट है, मान लीजिए आपका कोर्स खत्म हो गया और आप कितना अच्छा कर रहे हैं इसको जांचने के लिए जब आप 100 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरे कोर्स को रिवाइज करेंगे तो आप टिक करने की उस प्रवृत्ति पर आ जाएंगे कि जब आप एग्जाम रूम में भी होंगे तो चीजें आपको सहज और सरल लगेंगी, आपको लगेगा कि इससे अच्छे स्तर के प्रश्न हम यहां से निकाल चुके हैं। उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ हम ये कार्य करने चल रहे हैं, मैराथन रिवीजन। आप सभी लोग जानते हैं कि टारगेट विद्यालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का एक ट्रेंड रहा है कि जब भी आपकी कोई देश और प्रदेश की बड़ी परीक्षा होती है हम आपको मैराथन कक्षाएं प्रोवाइड कराते हैं, लाइव मैराथन कक्षाएं जो आपके पूरे पाठ्यक्रम का रिविजन कराती है। सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश पर स्तरीय टेस्ट सीरीज आपको देंगे। यह परीक्षा के केवल 10 दिन पहले की प्रक्रिया रहेगी जिससे निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छा कर सकें। तो लगभग 100 प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज को मिला लें तो 110 टेस्ट आपके प्रैक्टिस सेशन हैं विषयवार, 110 प्रैक्टिस सेशन बहुत होते हैं और इन सब के लिए जो अवधि है वो केवल 4 माह है। इसका मतलब यह है कि 4 माह की अवधि है, मतलब तुरंत ही आपको इसको प्रारंभ करना है। तुरंत प्रारंभ करने के लिए इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं, विद्यार्थीगण ऐसे होते हैं जो फॉर्म आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो तैयारी पूरी करने के बाद फॉर्म भरते हैं। अल्टीमेटली रिजल्ट में जब आप देखते हैं ऐसे विद्यार्थियों का चयन ज्यादा होता है जिन्होंने पूरी तैयारी करने के बाद फॉर्म भरा और इतने विस्तृत सिलेबस में इतनी चीजें करने के बाद लगभग निश्चित रूप से 4 माह की समय अवधि आपके पास होनी ही चाहिए, इससे कम में हम इस सिलेबस को अच्छे से पूरा नहीं कर सकते। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी एक्सपर्ट टीम, हम कहते हैं उत्तर भारत की सर्वश्रेष्ठ टीम, तो कौन आपको क्या पढ़ाएगा? संदीप सर आप जानते हैं, ये आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। पंडित अमरेश भट्ट सर
आपकी हिंदी के लिए। मूल विधि और संविधान में इस बार हमने एक्सपर्ट फैकल्टी रखी हुई है, दो फैकल्टी रखी है, डॉक्टर ज्योति सिंह आपने पढ़ाते हुए देखा होगा, ये संविधान के हिस्से को पढ़ाएंगे और वी के शुक्ला सर आपके मूल विधि के हिस्से को देखेंगे। तो दोनों ही लोग मिलकर आपको इस बार संविधान और मूल विधि तैयार कराएंगे। भूगोल गौरव निरंजन सर, विज्ञान आर कुमार सर, इतिहास गौरव पांडे सर, अर्थव्यवस्था अंकित पांडे सर, कंप्यूटर मनोज सर, यह आपकी पूरी फैकल्टी है। रीजनिंग, करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल का जो हिस्सा है वो स्वयं मैं आपको पढ़ाऊंगा। लगभग इस पाठ्यक्रम में मैं आपके 55 प्रश्न कवर कर रहा हूं। मैं विषय बार कैसे प्रश्नों को कवर कर रहा हूं या कौन कितने प्रश्नों को कवर कर रहा है, किस विषय का सेगमेंट ये है, उसकी भी जानकारी मैं आपको यहां पर प्रदान कर देता हूं। यदि हम लोग यहां पर विषय बार वितरण को देखें तो आप देखिए कि 100 अंक का आपका रीजनिंग का हिस्सा है, 100 अंक का आपका गणित का हिस्सा है, 100 अंक का हिंदी का हिस्सा है और 100 अंक का संविधान एवं मूल विधि और जीएस का हिस्सा है। 40 प्रश्न आपके रीजनिंग में है, 40 प्रश्न आपके गणित में है। अब यहां पर एक सामान्य चीज देखिए कि यहां पर केवल रीजनिंग नहीं है बल्कि रीजनिंग को 3 अलग अलग हिस्सों में कैटेगराइज करके आपको पढ़ना है। एक जगह लिखा है तार्किक क्षमता, एक जगह लिखा है सामान्य मानसिक अभिरुचि और एक समय लिखा है जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। तीनों के अपने अलग अलग मायने हैं और तीनों के अपने अलग अलग तरीके हैं। पुलिसिया अभिरुचि के भी प्रश्न आते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस हिस्से में जो 40 प्रश्न है, इन 40 प्रश्नों को मैं आपको क्लियर करूंगा। मैथ्स वाले हिस्से को जब आप गौर से देखते हैं तो वहां पर भी रीजनिंग लिखा है सामान्य मानसिक योग्यता के रूप में। 5 प्रश्न में यहां से भी आपके लूंगा तो ये 5 प्रश्न यहां से बढ़ जाएंगे क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग सहित 3 टॉपिक यहां से ऐसे होते हैं जो इनको मैं यहां पे आपका कवर करूंगा। और इस वाले हिस्से में आप देखते हैं तो मैंने 10 इसलिए घटाया है क्योंकि ये 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के रूप में होंगे। तो लगभग ये 55 नंबर का पोर्शन मैं आपका कवर करूंगा, 55 नंबर का पोर्शन यहां पर आराम से मैं आपका कवर करूंगा। और यहां पर 35% आपको सेगमेंट वाइज चाहिए, मतलब प्रत्येक विषय में न्यूनतम 35% चाहिए और ओवरऑल आपको मेरिट के लिए कितना चाहिए, 50% चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो थोड़ा सा कठिन टास्क है यहां पर क्योंकि सेगमेंट वाइज भी क्वालिफाई करना यहां पर जरूरी है। मैथ में अलग, रीजनिंग में अलग, हिंदी में अलग, संविधान मूल विधि और जीएस के हिस्से में अलग और ओवरऑल आपका कितना है, 50% है, ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो टारगेट बिता लो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके सभी प्रयासों को एक आकार दे रहा है, चाहे वो आपके आयु संबंधी प्रयास कर रहे हैं, जो एज रिलैक्सेशन की आप लोग बात कर रहे हैं उसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं और एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर हम आप सभी के साथ हैं और एक लंबी लड़ाई हमें इसके लिए भी लड़नी पड़ेगी। 1-2 दिन में हम इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हम लोगों ने चीजों को ड्राफ्ट करना शुरू किया है। भर्ती कहीं नहीं जाएगी, इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे क्योंकि गजट में नोटिफाई हो चुकी है, ये फालतू की चीजें हैं। प्रत्येक भर्ती निकालने की अपनी एक टूल होती है, आप कोर्ट कचहरी से बचने के लिए ऐसे पॉइंट्स को डालते हैं। तो मन में पूरी सकारात्मकता रखें, इतना नकारात्मक आप ना हो जाएं। और यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, समय कम है और समय आ चुका है कि जब आपको प्रारंभ करना चाहिए, इसलिए बहुत आप जो है इन चीजों को छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, वो हाईली पॉजिटिव है और कल से हजारों की संख्या में वो संस्था से संपर्क कर चुके हैं। अब मान लीजिए कुछ लोग हैं, विरले कमेंट आपको यहां पे भी दिखेंगे कि आप अपना कोर्स बेचना है, ये करना है, वो करना है। देखिए, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। जिन लोगों को कहना है वो इतने नकारात्मक हैं कि उनका जीवन में कुछ हो नहीं सकता। तो ऐसे अगर कोई लोग हैं जिनको हमारे कोर्स बेचने से दिक्कत है या बैस से हमारे समस्या है तो उनको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। आप इस वीडियो से और इस पोस्ट से आराम से दूरी बना सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कोई मैं आपके घर तो गया नहीं हूं कि आपको आमंत्रित करने के लिए। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए, हमें ऐसे छात्र छात्र चाहिए, छात्राएं चाहिए जिनके मन में वास्तव में एक जज्बा हो कि हाँ हमें करना है। हमें उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अप्रोच करिए और बैग चलाना हमारा हक है क्योंकि हम पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से दिन रात एक करके आपको पढ़ाते हैं। 3218 सिलेक्शन सुपर टेट में, 50 से ज्यादा सिलेक्शन संस्था से बीईओ में, 17 ऑनलाइन सिलेक्शन पीसीएस में, चूंकि एसआई का अभी पेपर नहीं हुआ और ये गिनती हजारों में एसआई में भी होगी, ये हमारा आपसे वादा रहा। तो बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप इंस्टीट्यूट से जुड़िए, हम आपके साथ दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं।
अगर एकलव्य बैच हम लोगों ने इसका नाम रखा है तो हम लोग उसको वास्तविक करके दिखाएंगे। आपके जो सपने हैं उन सपनों को जितनी उड़ान देनी है और उसके लिए जितनी मेहनत करनी है उसके लिए आप आशान्वित रहें, आप अपने अभिभावक के बाद सबसे ज्यादा भरोसा हम लोगों पर कर सकते हैं एज अ गार्जियन। आप छोटी छोटी जगह परेशान ना हो, आप अपने भविष्य से संबंधित एक मजबूत निर्णय लीजिए बहुत सोच के, क्योंकि एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जुड़ने से अगर हम सही साथ को सही समय पर पकड़ लें, क्योंकि ये आपके जीवन परिवर्तन करने वाला निर्णय है, तो आधी सफलता हमारी उसी दिन तय हो जाती है जब हम इस निर्णय को सही निर्णय के रूप में लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक निर्णय को सही निर्णय के रूप में लेना है और अपने आने वाले 4 महीने के समय को उसी तरीके से उपयोग करना है जिस तरीके से हम आपको कहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि UPSI में सबसे ज्यादा सिलेक्शन ऑनलाइन देने वाली संस्था टारगेट बितालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होगी। अगर आपने छोटी छोटी जगह ऑफलाइन भी पढ़ा है तो भी आप ऑनलाइन जुड़िए, क्योंकि यहां पर आप ऑफलाइन से ज्यादा सजग रहेंगे, सहज रहेंगे और ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो 5 बार देखिए, 6 बार देखिए, अपने लाइव डाउट सेशन देखिए। हम आपको पूरे ऑल यूपी स्तर पर एक ऐसा कंपटीशन ग्रुप देते हैं, ऐसी सराउंडिंग्स देते हैं जहां पर आप जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कंपीट करते हैं अपने क्लासेज के दौरान, अपने डिस्कशन के दौरान। तो आपकी जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, आप जहां पर हैं वहां से ना केवल आपका माहौल बदलता है बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, एक आत्मविश्वास डेवलप होता है कि हम पूरे यूपी के साथ एक साथ कंपीट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं यूपी के पूरे बच्चों को आपके साथ पेपर देना है। यहां पर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से बच्चे आए हैं और पढ़ रहे हैं। तो आप एक छोटे से आकार में मत फंसे रहिए बल्कि चयन के लिए वहां से निकलिए और गुणवत्तापूर्ण एक बड़े ग्रुप में आइए जहां पर आप वास्तव में अपनी योग्यता का आकलन कर सकेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को संघर्ष करना है, ट्विटर के माध्यम से, सभी माध्यमों से हम सभी लोग उनके साथ हैं। लगातार ये प्रयास आपका रुकना नहीं चाहिए। अगर UPSI वालों का साथ लेखपाल वालों ने, पैट वालों ने, बेसिक वालों ने, सबने दिया है तो हमें भी सबका साथ देना है। चाहे वो पैट हटाने की बात हो वहां पे भी साथ देना है, चाहे UPSI की आयु कम कराने की बात हो वहां पे भी सबको मिलकर साथ देना है, चाहे बेसिक के सुपरटेट की वैकेंसी लाने की बात हो वहां पे भी साथ देना है। संघर्ष का ये प्रक्रिया रुकना नहीं चाहिए। इसमें टारगेट बितालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के सभी शिक्षक, हम सभी लोग तन मन धन से रोड से लेकर कमरे तक, डिजिटल बोर्ड तक, हम सभी लोग आपके साथ हैं। आयु रिलैक्सेशन वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आपके लिए एक लंबी लड़ाई संस्थान लड़ने चल रहा है, 1-2 दिन में इसकी चीजें स्पष्ट होगी। बैच में प्रवेश प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो रही है। बैच में प्रवेश के लिए आपको कैसे लेना है, कैसे जुड़ना है, ये सारे तरीके मैं आपको बता चुका हूं, एक बार मैं फिर कह रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है एकलव्य बैच का, उसको ज्वाइन करिए। आज से 4 दिन प्रवेश प्रक्रिया आपकी खुली हुई है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े SI बैच से आप जुड़िए, आइए दरोगा बनने में हम और आप मिलकर सपने को पूरा करें। संस्था का सपना है कि आप खाकी वर्दी पहनकर अपने कंधे पर स्टार लगाकर गौरवान्वित हो, हमको गौरवान्वित करें, प्रदेश की सेवा करें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयास को शुरू करते हैं, इस सफलता की अनवरत यात्रा को शुरू करते हैं। जल्द ही कक्षाओं में मुलाकात होगी, कल से डेमो क्लासेस आप लोगों को मिलेगी। आइए एक बेहतर विकल्प को चुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।